हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाली मुनक लहर क्या टूटी, उसके बाद क्या तस्वीरें हैं बवाना की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आप देखें, ये तमाम घर जो आपको नजर आ रहे हैं इनमें पीछे तक पानी भरा हुआ। अगर आप बहुत पीछे देख सकते हैं तो एक छोटा बच्चा और एक लड़की आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और उसके पीछे मुझे कश्ती भी नजर आ रही है, एक बोट सी भी नजर आ रही है जो इस गली के बिल्कुल एंड पर दिख रही है। और ये पूरे इलाके का हाल है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ रात 12:30 बजे से पानी आना शुरू हुआ था और 1-1.5 घंटे में पूरी जगह पे पानी भर गया। ये एक गली की तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। दूसरी गली यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन ईश्वर को कहूंगी कि आगे की तरफ बढ़ते हुए जरा दूसरी तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से केवल अब आप देखें किस तरीके से एक महिला जो है वो तैरते हुए, ये तस्वीरें आप देखें, वो तैरते हुए अपने घर की तरफ जा रही हैं। इस लेवल तक का यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। ये एक गली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से तमाम मकानों के आगे यहाँ पर पानी भरा हुआ है। दूसरी गली यहाँ पर अगर आपको दिखाएं, इस गेट से जैसे ही आप दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है। और पानी क्या है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बाइक नजर आ रही है जो जिसके टायर से ये देखा जा सकता है कि कितना पानी भरा हुआ है। जाहिर तौर पर घुटनों से ऊपर ये पानी लग रहा है। और यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से बाहर से आते हुए हमने देखा कि पंपिंग्स चल रही हैं, पानी को पंप आउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ा रिहायशी इलाका ये नजर आ रहा है जहाँ पर काफी लोग हैं। और इस गली की मैं तस्वीरें अगर आपको सामने से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें भी यही तस्वीर नजर आ रही है। पीछे तक आप देखें पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल रात से यहां पर यह स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा के साथ मिलकर मुनक नहर को जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही ये नहर ठीक होगी, जिसकी वजह से जो फिलहाल यहां पर पानी भरा हुआ है वैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाली मुनक लहर क्या टूटी, उसके बाद क्या तस्वीरें हैं बवाना की, वो मैं आपको दिखा रही हूं। यहां आप देखें, ये तमाम घर जो आपको नजर आ रहे हैं इनमें पीछे तक पानी भरा हुआ। अगर आप बहुत पीछे देख सकते हैं तो एक छोटा बच्चा और एक लड़की आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और उसके पीछे मुझे कश्ती भी नजर आ रही है, एक बोट सी भी नजर आ रही है जो इस गली के बिल्कुल एंड पर दिख रही है। और ये पूरे इलाके का हाल है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ रात 12:30 बजे से पानी आना शुरू हुआ था और 1-1.5 घंटे में पूरी जगह पर पानी भर गया। ये एक गली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी गली यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन ईश्वर को कहूंगी कि आगे की तरफ बढ़ते हुए जरा दूसरी तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से केवल अब आप देखें किस तरीके से एक महिला जो है वो तैरते हुए, ये तस्वीरें आप देखें, वो तैरते हुए अपने घर की तरफ जा रही हैं। इस लेवल तक का यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। ये एक गली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से तमाम मकानों के आगे यहाँ पर पानी भरा हुआ है। दूसरी गली यहाँ पर अगर आपको दिखाएं, इस गेट से जैसे ही आप दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है। और पानी क्या है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बाइक नजर आ रही है जो जिसके टायर से ये देखा जा सकता है कि कितना पानी भरा हुआ है। जाहिर तौर पर घुटनों से ऊपर ये पानी लग रहा है। और यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से बाहर से आते हुए हमने देखा कि पंपिंग्स चल रही हैं, पानी को पंप आउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ा रिहायशी इलाका ये नजर आ रहा है जहाँ पर काफी लोग हैं। और इस गली की मैं तस्वीरें अगर आपको सामने से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें भी यही तस्वीर नजर आ रही है। पीछे तक आप देखें पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल रात से यहां पर यह स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा के साथ मिलकर मुनक नहर को जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही ये नहर ठीक होगी, जिसकी वजह से जो फिलहाल यहां पर पानी भरा हुआ है वैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी।